सुत्त का नाम है धनीय सुत्त। त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है उसमें पांच निकाय, दीर्घ निकाय, मझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में लगभग 15 ग्रंथ है। उसमें एक ग्रंथ है सुत्त निपात। तो इस सुत्त निपात में यह दूसरे क्रमांक का सुत्त है, जिसमें ऐहिक सुख और आध्यात्मिक सुख, इन दोनों सुखों का वर्णन आता है। एक गौलिया है धनिया नाम का, ग्वाला। उसके घर के पास भगवान साधना कर रहे हैं, वर्षा हो रही है और वह धनिया गोप अपने अहिक सुख की बातें करता है। तो उसी समय भगवान भी अपने आध्यात्मिक सुख की बात करते हैं। धनियो गोप कहता है, भात मेरा पक चुका है, मैंने दूध दूह लिया है, अपने परिजनों के साथ मही नदी के किनारे निवास करता हूं। कुटी अच्छी तरह छाई हुई है, आग जल रही है। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो जी भर बरसो। इस पर भगवान कहते हैं, मैं क्रोध रहित हूं, मेरे चित्त के कील निकल गए हैं। मही नदी के किनारे एक रात के लिए निवास कर रहा हूं। मेरी कुटी खुली हुई है। राग आदि 11 प्रकार की आग शांत हो गई है। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो बरसो। इसके बाद धनिया गोप कहता है, मेरे घर घर में मच्छर नहीं है, मेरे हरियाली में उगी हुई घासों को गायें चरती है। ये गायें बरसात को भी सहन कर लेती है। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो बरसो। भगवान कहते हैं, मैंने एक अच्छा बेड़ा बना लिया है, सांसारिक बाढ़ को तैर कर पार कर लिया है, अब बेड़े की आवश्यकता नहीं है। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो बरसो। धनिया गोप कहता है, मेरी ग्वालिन आज्ञाकारिणी और चंचलता रहित है। वह एक दीर्घ काल से प्रेम से मिलजुल कर रहती है। मैं उसके किसी भी प्रकार के पाप को नहीं सुनता हूं। हे देव, तो यदि तुम चाहते हो तो जी भर बरसो। भगवान कहते हैं, मेरा चित्त वशीभूत है और विमुक्त है। एक दीर्घ काल से वह सुशिक्षित और नियमित नियंत्रित है। मेरे भीतर पाप नहीं है। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो जी भर परसो। इसके ऊपर धनिया गोप कहता है, मैं स्वयं कमाकर खाता हूं, मेरे पुत्र भी अनुकूल और निरोग हैं, मैं उनके किसी पाप को नहीं सुनता। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो जी भर परसो। भगवान कहते हैं, मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो जी भर बसो। इसके ऊपर धनिया गोप कहता है, मेरे पास बछड़े हैं, दुधारू गायें हैं, गाभिन और तरुण गायें हैं, गायों का पति सांड भी है।
हे देव, यदि तुम चाहते हो तो जी भर बरसो। भगवान कहते हैं, मेरे पास न बछड़े हैं न दुधारू गायें, गाभिन और तरुण गायें भी नहीं, यहाँ गायों का पति सांड भी नहीं। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो जी भर बरसो। धनिय गोप कहता है, जमीन में खूंटे गाड़े गए हैं, मूंज की नई बनाई गई रस्सियां हैं, उन्हें तरुण बछड़े भी नहीं तोड़ सकते। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो जी भर बरसो। भगवान कहते हैं, सांड के समान बंधनों को तोड़कर, हाथी के समान पुती लता, गुरुचि की लता को नष्ट कर मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूंगा। हे देव, यदि तुम चाहते हो तो जी भर बरसो। उसी क्षण नीचे ऊंची भूमि को भरती हुई जोरों की वर्षा हुई। बरसते हुए मेघ को सुनकर धनिया ने यह बात कही, अहो, हमें बहुत ही लाभ हुआ जो कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हम चक्षुष्मान की शरण जाते हैं। हे महामुनि, आप हमारे शास्ता हो। मैं और मेरी आज्ञाकारिणी ग्वालिन बुद्ध के धर्म का पालन करेंगे और जन्म तथा मृत्यु को पार कर दुख का अंत करने वाले हो जाएंगे। उसके बाद मार वहां पर प्रकट होता है। मार कहता है, पुत्रों वाला पुत्रों से आनंदित होता है, वैसे ही गायों वाला गायों से आनंदित होता है। विषय भोग ही मनुष्य के आनंद के कारण है। जो विषय भोग से रहित है वह कभी आनंदित नहीं होता, ऐसा मार कहता है। लेकिन भगवान कहते हैं, पुत्रों वाला पुत्रों से शोक करता है, वैसे ही गायों वाला गायों के कारण शोक करता है। विषय भोग ही मनुष्य के शोक के कारण है। जो विषय भोगों से रहित है वह कभी शोक नहीं करता। तो यह एक छोटा सा सूत्र था राजीव जी के आने तक। अभी राजीव जी, डॉक्टर साहब, आप उस पर कुछ विस्तार करना चाहे तो कर लीजिए। अच्छा, एक कविता के जैसा सूत्र था जिसमें गृहस्थ का सुख और एक अरहंत का सुख, ऐसे दोनों सुखों की तुलना की गई है। बारिश हो रही है, ये मिथिला प्रदेश जो है बिहार का, उसको विदेह राष्ट्र बोलते हैं। वहां पे एक धनिया नाम का ग्वाला था और उसके घर के पास भगवान रुके हुए थे। तो जब बारिश होती है तो वो बोलता है कि मुझे इस बारिश से कोई परेशानी नहीं है, जितनी बारिश हो चाहे हो जाए, क्योंकि मैंने जो सुख है गृहस्थ का वो सब पा लिया है। तो भगवान भी अपने सुख का, आध्यात्मिक सुख का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मुझे भी इस बारिश से कोई परेशानी नहीं, वो चाहे जितनी बरसे, मैं भी इस बारिश से सुखी। एक कविता की तरह है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। मैं बस पिछले बार हमने नादकोवाद जो सूत्र है उसकी चर्चा करी थी, उसमें एक पार्ट है लास्ट में जो कि बोधियांग या अवेकनिंग फैक्टर से जुड़ा हुआ है, उसका मैं सोच रहा था आज कंटिन्यू करते हैं चर्चा। लेकिन वो आरंभ करने के पहले एक बार मैं बस पूछना चाहूंगा कि कोई साधना से जुड़े अगर प्रश्न हो तो उससे आरंभ करते हैं। कई बार सूत्र की चर्चा काफी समय तक चल जाती है, फिर उसके बाद प्रश्नों पर या तो समय बचता नहीं है या फिर लोग सूत्र के बारे में सोच रहे होते हैं तो बाकी जो उनके साधना से जुड़े प्रश्न होते हैं वो पूछ नहीं पाते। तो कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सभी कोई भी कहाँ आपको लग रहा है फंस रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर कोई परेशानी हो, कुछ एक अटैचमेंट हो कि कुछ मुझे एक चीज अटेन करनी है अपने प्रैक्टिस में जो नहीं हो पा रहा है, उससे परेशानी हो रही हो, ऐसा कुछ भी हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई टिप्पणी करना चाहे कि कैसे प्रैक्टिस आप यूज कर पा रहे हैं दैनिक जीवन में, तो कोई भी, ये था एक ओपन स्पेस है जिसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार।
शेयर करना चाहिए जी, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा पास आ सकते हैं? अभी आ रहा है क्या सर आवाज? थोड़ा बेहतर है। ओके सर, एक्चुअली सर एक शेयर करना चाहता था, जैसा हम लोग ना जानस बताते, जैसे फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना। बहुत कम आ रही है सचिन जी आवाज। ओके सर, एक मिनट सर बात कर। सर अभी आ रहा है सर आवाज? थोड़ा बेहतर है, बोलिए। सर सर एक्चुअली जैसा जानस है सर, अरूप जानस भी है, जैसा मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे कभी भी क्रेविंग नहीं लगता कि मैं ये जाना है जाना है बोल के, जस्ट मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के जैसा फर्स्ट लविंग काइंडनेस शेयर करते हैं, जैसा जो माइंड का अटेंशन जैसा माइंडफुलनेस के तरह ही करता हूँ सर, जैसा माइंड कभी कभी क्वाइट रहता है उसी में, मतलब जैसे माइंड चाहता है उसी तरह में जाने का प्लान मतलब करता हूँ सर। एक्चुअली जैसा अटेंशन चेंज होता है तुरंत मैं शिक्षार करके जैसे माइंड चाहता है उसी तरह में जाना जाता हूँ सर, ये करेक्ट है क्या सर? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है सचिन जी, जो ठीक से सुन नहीं पाए उसके लिए मैं एक बार दोहरा दूंगा। तो सचिन जी कह रहे हैं कि जब मैं बैठता हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तो मैं ये सोचता नहीं हूँ कि मुझे इस ध्यान समाधि में जाना है या उस ध्यान समाधि में जाना है, या क्या होना चाहिए, व्हाट शुड कम अप इन माय मेडिटेशन, कि क्या अनुभव होना चाहिए, ये नहीं सोचता हूँ। केवल अपना मेरा ध्यान कहाँ है और कैसे भटक रहा है उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, और जब भी भटक जाए तो छह कदमों का प्रयोग कर रहा हूँ, यही पूछा ना? तो ये सही है कि नहीं? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने सचिन जी। तो सबसे पहले जो जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका कार्य एक ही है। अगर आपको ध्यान समाधियों के बारे में नहीं भी पता हो तो भी आपका कार्य यही है कि जो साधना का आलम्बन है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, उसके साथ अपने ध्यान को रखिए, और कहीं वो चले जाए तो छह कदमों का प्रयोग करके उसे वापस लेकर आए। बस एक्चुअली अगर आप देखें तो पूरी जो साधना है वो उसका मूल यही है। बाकी सारी जो हम चीजें डिस्कस करते हैं ये क्या है कि एक हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक चीजों को जैसे हम आमतौर से देखते हैं उससे थोड़ा अलग तरीके से देखने में, जहाँ पे हम जैसे हर चीज को एक दुनिया है और एक मैं हूं और मुझे इस दुनिया में कुछ कार्य करना है, हमेशा उस नजरिए से हम देखते हैं कि इस आत्मा की रक्षा कैसे करें, इसकी सेवा कैसे करें, इसका उद्धार कैसे करें, है ना? तो उसके अलावा भी अगर हम जैसे बिल्कुल गहराइयों में अपने मन की प्रक्रिया को देखें तो हम समझ सकते हैं कि ये चीज जो आधार है, जो कंडीशंस है, जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के अनुसार कई कई प्रक्रियाएं चल रही हैं, कई कई अनुभव उससे बनकर आ रहे हैं। तो ये समझने के लिए बाकी काफी सारी चीजें जो हम डिस्कस करते हैं वो उसके लिए एक फ्रेमवर्क देता है कि इन चीजों के बारे में इस अलग एक तरीका जो है दुनिया को, दुनिया में जो धर्म है या फिनोमिना है उनको समझने के लिए। और जब हम गहराई में जाते हैं अपने ध्यान अपने प्रैक्टिस में, तब इन चीजों के बारे में हमें इनसाइट्स मिलती है या विपश्यना मिलती है या एक विशेष ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि जो चीज मतलब एक हमारे तजुर्बे में या हमारे अनुभव में उतरती है। कि जैसे किसी को साइकिल चलाने के बारे में चाहे कितना भी हम बता दें कि ऐसा होता है, ऐसा अनुभव होता है, वैसा होता है, तो या कोई खेल खेलने के बारे में, लेकिन वो जो करके जब अपने अनुभव में आता है तब सचमुच समझ में आता है कि क्या हो रहा है, और वो हमारे दैनिक जीवन में हम उसको अपने जिस तरीके से हम दुनिया को समझते हैं और उसके ऊपर जो हम प्रक्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उन चीजों में उसका फर्क आ सकता है। तो इसलिए आप अपना ध्यान उसी पे, अपना जो आपने सोचना है वो सिर्फ यही करना है कि साधना के आलम्बन के साथ अपना ध्यान रखना है, भटक जाए तो छह कदमों का प्रयोग करना है। जो ध्यान समाधियां हैं वो खुद आपका मन उनमें से गुजरेगा क्योंकि आप तैयार हैं, या आपका वो भी एक जो कंडीशंस है, जो परिस्थितियां हैं, जो आपके मन का जो एक अवस्था है उसके हिसाब से वो ध्यान समाधियों में आप गुजर रहे हो।
ये एक चीज नहीं है कि जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आप खुद निर्मित कर रहे हो, तो उसमें आप अपने मन को, सो पूरे मेडिटेशन में ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर जब भी हम सोचते हैं कि मैं ये चीज करूंगा, ये चीज मैं उत्पन्न करूंगा या ये चीज पैदा करूंगा, तो वहां पे क्रेविंग आ जाती है हमारे मन में, तृष्णा आ जाती है, और फिर वो हमें जो भी गहराई और जानकारी और विद्या के का जो राह है उससे हमें दूर ले जाती है। तो हमने ये चीज एक, आप इसको मान सकते हैं, ध्यान समाधियां एक लक्षण है या एक सिम्टम है जो आपके मन की जो गहराई है, अवस्था है उस समय आप कितने अच्छे से अपने मन की प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं, उसका एक लक्षण या सिम्टम या साइन बोल सकते हैं, उसका एक चिन्ह है कि इस ध्यान समाधि में चला गया मेरा मन। लेकिन केवल ये नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करें आगे, जैसे आपका प्रैक्टिस ज्यादा एडवांस होता है, एक समय पे एक डिटर्मिनेशन प्रैक्टिस भी होता है, उसमें आप क्या करते हैं कि जो ज्यादा एडवांस्ड मेडिटेटर्स होते हैं तो वो अपने मन में सोचते हैं कि अब मैं जैसे पांचवें ध्यान समाधि में 4 मिनट और 45 सेकंड के लिए रहूंगा, तो वो ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं, वो चीज को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका मन इतना गहरा अच्छे से समझ चुका है, अपने मन का जो एक टेरिटरी है, एक मन का जो अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग स्तर जो है उनको समझ चुका होता है, तो वो उसको जाने देते हैं, वो अलाउ करते हैं माइंड को उसमें सेटल करने के लिए, वो फोर्स नहीं कर सकते हैं माइंड को कि जाए, वो सोचते हैं धीरे धीरे ये चीज सिंक्रोनाइज हो जाती है, वो जो चाह रहे हैं, वो जो एक संकल्प करते हैं कि ऐसा मेरा मन इस ध्यान समाधि से ऊपर ना जाए इतने समय के लिए, तो उनका मन उस समाधि में चला जाता है और फिर 4 मिनट 45 सेकंड के बाद खुद निकल आता है। तो ऐसे प्रैक्टिस आगे जाके कर सकते हैं, जब आप तैयार होंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज भी ऐसा नहीं है कि हम उसको उत्पन्न कर रहे हैं या उसको फोर्स कर रहे हैं या हम चाहेंगे तो चला जाएगा, आप केवल अलाउ कर रहे हैं अपने माइंड को डीप होने के लिए, काम होने के लिए, ध्यान समाधि में उतरने के लिए। तो केवल हमने अपने मन को एक अच्छी अवस्था में, उत्कृष्ट स्थिति में लाने के लिए, तो ये भी इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि 6 कर्मों को एक डंडे की तरह हम नहीं समझें जिससे हम डिस्ट्रैक्शन को भगा सकते हैं, हमने केवल ये देखना है कि मन में जो उत्पन्न हुआ है, भले ही दैनिक जीवन में हो या भले हम बैठे हों अभ्यास करने के लिए, ये केवल एक लक्षण है कि हमारे मन की क्या अवस्था है, कि हमारे मन पे किन किन चीजों की छवि पड़ी है, क्या इंप्रेशंस पड़े हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी विज्ञान कैसे है, सोचने का तरीका कैसे है, हमारे जो भव है, हैबिचुअल टेंडेंसीज है हमारे कैसे हैं, ये चीज सब बाकी दुनिया से, बाकी परिस्थितियों से, बाकी जो हमारे स्पर्श हो रहे हैं, इन चीजों के होने से किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है या किस प्रकार में एक अलग अलग धम जो है उससे उत्पन्न हो रहे हैं, अलग अलग फिनोमेना उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये केवल हमें समझने का मौका है, उसको बारीकी से देखने का मौका है। बारीकी से देखते हैं तो क्या होता है, एक तो हम समझ पाते हैं कि ये चीज जो अनित्यता है, जो हमने पिछले सूत्र में भी चर्चा करी थी, जो अनित्यता है, अनात्मता है, और उससे निजी लेने या जुड़ जाने से जो दुख उत्पन्न होता है, ये लक्षणों को हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमेशा हमने कभी ये नहीं समझना कि मन को हम जब भी हम सोचते हैं कि कुछ हम कर लेंगे, मन को ऐसे मन से ये काम करवा लेंगे, वो काम करवा लेंगे, वो होता नहीं है, एक तो वो होगा नहीं, लेकिन उससे जुड़े आपके मन में जरूर तृष्णा आ जाएगी कि अगर ये चीज नहीं हुई तो मैं बुरा मान जाऊंगा, ये चीज हो गई तो मैं परेशान हो जाऊंगा कि ये चली ना जाए मेरे मन से, तो वो परेशानी जरूर हम अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन हम मन की अवस्था को एक जोर लगा के या जबरदस्ती से या बहुत एक तीव्र इच्छा से हम उसको बदल नहीं सकते। तो आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैंने जानकारी आपके साथ शेयर करी ताकि आपको पता चले कि जब, हालांकि हम ये नहीं सोच सकते कि इस ध्यान समाधि में अपने मन को धकेल दें या उसको दबा दें, लेकिन आगे जैसे प्रैक्टिस रिफाइन होती रहती है तो आपका मन इतना फेमिलियर हो जाता है, इतना परिचित हो जाता है इन अलग अलग ध्यान समाधियों से कि वो आराम से उस स्टेट में आके सेटल हो जाता है, और बिल्कुल मतलब आप 3 घंटे 4 मिनट और 3 सेकंड भी समझ सकते हैं उतने समय में, फिर आप बाहर निकलेंगे उससे।
और जैसे बहुत और ज्यादा एडवांस हो जाते हैं तो लोग मतलब एक सेसेशन या निरोध में भी एक समय संकल्प करके उसमें बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो ये आगे है लेकिन मूल एक ही है। ये सब आगे प्रैक्टिसेस हैं, ये केवल आपको इनका भी क्या फायदा है कि एक ध्यान समाधि में आप रहते हैं तो मन की प्रक्रिया के किसी एक हिस्से पे आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त होने लगती है कि मन में कैसे क्या प्रक्रिया हो रही है। तो कुल मिला के ये केवल आपके जो प्रत्यक्ष समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है जो आपके मन में एक पूरे अनुभव बनने की जो एक श्रृंखला है इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी पा रहे हैं। और जो आपके हाथ में है वो यही है कि अपनी स्मृति को बनाए रखें और जब जब कृष्णा आए तो छह कदमों का प्रयोग करें, उचित कार्य करें। तो करना जो है वो बहुत सिंपल है लेकिन उसके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही है, उनमें कभी खोना नहीं है। जो अपना कीप इट सिंपल जो कहते हैं ना, जो अपना प्रैक्टिस है उसमें आप बिल्कुल कीप इट सिंपल करिए, इन चीजों में मत ज्यादा अभी डिस्ट्रैक्ट हो। तो जो करें बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न है? मैं एक मिनट और प्रतीक्षा करता हूं। चलिए वैसे कोई प्रश्न है तो आप अंत में पूछ सकते हैं। सचिन जी ने बहुत अच्छी भूमिका बनाई है जो कि हम नंदकोवाद सूत्र के हम जो चर्चा करने लगे थे पिछली बार, हमने प्रथम हिस्सा इसका चर्चा करी थी, तो ये भी इसी से जुड़ा है कि मन में जो हम बोध्यांगों की बात करेंगे या इन लक्षणों की हम जब बात करते हैं तीन लक्षणों की, तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे मन में इनके और एक बहुत सही एटीट्यूड हो, सही समझ हो कि ये चीजें हम जोर जबरदस्ती करके नहीं कर सकते हैं। इनको जो चीज बीत रही है, जो चीज जो धर्म उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं उनको समझ के इसमें हम दुख को कैसे कम कर सकते हैं, ये समझ जितना हम समझेंगे तो उतनी आदतें हम हमारी बनती जाएंगी जिससे हम अपने जीवन में से दुख को समाप्त कर सकते हैं। तो एक बार जो आरंभिक जैसे इन्होंने आरंभ किया था, इसमें नंदक जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, तो ये महाप्रजापति गौतमी के साथ 500 भिक्षुणियां आई थी शिक्षा लेने के लिए धर्म की, तो उन्हें संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने यही कहा था कि जो भी हम ये आज जो हम शिक्षा करेंगे ये एक प्रश्नोत्तर के रूप में होगी, तो आप बताइए कि ये समझते हैं नहीं समझते हैं, मानते हैं सत्य मानते हैं नहीं मानते हैं, या इसमें कोई शंका हो कोई अर्थ जानना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। तो आरंभ ऐसे ही करते हैं कि क्या मानते हो भगिनियों कि चक्षु नित्य है या अनित्य है? जो आंखें हैं हमारी क्या वो नित्य हैं, परमानेंट हैं, एटर्नल हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगी जैसे थी, और क्या हमेशा ऐसे ही रहती हुई आई हैं जैसे आज हैं? ये नित्य है कि अनित्य है, ये प्रश्न पूछते हैं। और भिक्षुणियां उनको बोलती हैं कि अनित्य है भगवान। तो सब समझते हैं कि जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं ये जो हैं, जो हम बचपन में थे, जो उसके बाद हम थे, आज जो हैं और कल जो रहेंगे, ये शरीर के सारे जो अंग हैं वो बदलते रहेंगे, तो इसलिए ये नित्य नहीं है ये अनित्य है। और इस चीज को अगर हम नित्य माने और इससे जुड़े रहें कि ये हमेशा नित्य हो, हम अपने उसके आधार पर हम बाकी दुनिया को हम समझने का प्रयत्न करें कि ये चीज एक जो शरीर का अंग है वो हमेशा नित्य रहेगा, तो जैसे ही इसका रूप बदलेगा, और ऐसा रूप बदल सकता है जो हमें हमारे लिए दुखदायक हो, ऐसा रूप बदल सकता है जो हमारे लिए कठिन हो जिससे हमें कई कार्य करना या हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो, तो उस समय हम
इसके आधार पर हम दुखी हो जाएंगे। तो ये अगला प्रश्न जो पूछते हैं, बनते पूछते हैं कि जो पदार्थ अनित्य है बस दुख है या सुख है? तो ये समझते हुए जो भिक्षुणियां हैं वो कहती हैं कि ये दुख है बनते, इसके आधार पर हम सुख नहीं समझ सकते। जैसे डॉक्टर साहब भी पहले बात कर रहे थे कि विषय भोग, तो किसी चीज के आधार पर अगर आपका सुख हो तो जैसे ही वो चीज बदल जाती है वैसे रूप में नहीं रहती है। किसी व्यक्ति को आप मानते हैं कि ये मेरा मित्र है, लेकिन कोई कार्य वो कर जाता है जो आपको लगता है कि कोई मित्र नहीं करेगा, और आपके आपने अपने सुख को उसकी मित्रता, उसकी मैत्री और उस रिश्ते के ऊपर आपने अगर आधारित किया हो, तो जैसे ही वो बदले, वो अनित्यता का शिकार बने, तो आप उसको लेके दुखी हो जाए। तो यही समझते हुए अनित्यता से दुख उत्पन्न होता है, ये चीज समझते हुए भिक्षुणियां कहती हैं कि ये दुख है बनते। बनते अगला प्रश्न पूछते हैं, जो अनित्य है दुख है और विपरिणाम धर्म है, यानी परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, क्या उसे ये समझा जा सकता है कि यह मैं हूं, यह मेरा है, यह मेरा आत्मा है, क्या ऐसा समझना उपयुक्त है? फिर यही सोचते हैं कि आज जिस चीज को आप अपना समझे, ये समझे कि ये मैं हूं, अगर वो चीज अनित्य है वो बदल जाएगी कल, कल कोई चीज जैसे आपके पास है लेकिन आपके पास कल वो नहीं रही या उसका रूप बदल गया, तो इस चीज को एक यही मैं हूं अपने आप को इससे जोड़ना कि अगर मैं ये शरीर हूं और 4 साल में अगर इस शरीर के हर एक पुर्जा जो है खुद ब खुद जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं उससे खुद ब खुद हर एक इसका अंश अगर बदल जाएगा, क्या ये फिर भी मैं हूं? इस चीज के ऊपर क्या मैं अपने इस चीज से अपनी आत्मा का एक संकल्प जोड़ सकता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा है, ये जो शरीर है जो इतना बड़ा हुआ है, ये धरती से अलग अलग भोजन खाके हुआ है और कल ये वापस धरती में चला जाएगा, तो इसको अपना मानना एक अनित्य, एक नित्य आत्मा का एक अंश मानना या उस आत्मा को उसी चीज में पहचानना, ये समझना उपयुक्त नहीं होगा। तो भिक्षुणियां कहती है नहीं, वैसे ही सारे अलग अलग जो हमारे इंद्रियां हैं, 6 आयतन जो हैं, जो कान, नाक, मुंह, शरीर और मन, इन सब के बारे में यही प्रश्न पूछते हैं, और जो अनित्य है वो दुख है और इसे आत्मा या अपने आप अपना एक नित्य आत्मा, एक नित्य सेल्फ के साथ इसको जोड़ना जो है ये उपयुक्त नहीं होगा। ये चीजें समझाते हैं, बल्कि समझाते नहीं, इससे जुड़े प्रश्न पूछते हैं और भिक्षुणियां खुद समझ के सही प्रश्न जवाब उनको दे दे जाते हैं। और इसी तरह जो बाहरी रूप है उनके बारे में भी यही प्रश्न पूछते हैं। एक तो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में एक प्रकार की जानकारी आती है, तो उन जो जानकारी आती है जो बाहरी वातावरण से आती है उनके बारे में यही प्रश्न पूछते हैं। बनते हैं कि शब्द या ध्वनि, गंध, रस, स्वाद जो है, स्पर्श, मानसिक जो धर्म है, फिनोमेना है, मेंटल फिनोमेना, क्या ये सब चीजें नित्य हैं या अनित्य हैं? तो इन पे भी भिक्षुणियां यही समझती हैं कि ये चीजें अनित्य हैं, बदल सकती हैं, अभी अच्छी खुशबू आ रही है आपको, बाद में बुरी खुशबू, गंदी खुशबू आ सकती है या बदबू आ सकती है आपको, तो ये चीजें भी नित्य हैं, क्या इसको दुख समझना चाहिए या सुख समझना चाहिए? तो इस चीज को सुख समझना या इसके ऊपर सुख आधारित कर अपना आधारित करना ये एक भूल होगी। तो इसको दुख के इसको दुख समझना यानी ये अर्थ नहीं है कि हर एक जो चीज है उसको हम ये सोचे कि अच्छा ये तो मुझे दुखी करता, इसका अर्थ यह है कि इसके ऊपर अपना सुख आधारित नहीं करें, इसको इसकी जो अनित्यता है, इम्परमानेंस है, कि अगर किसी चीज से मुझे अभी आनंद मिल रहा है, एक प्लेजेंट फीलिंग आ रही है, वेदना जो है उसमें सुखदायक है, तो ये समझे कि ये वेदना सुखदायक है, लेकिन अपने सुख को उस
वस्तु के ऊपर अगर हम आधारित करेंगे तो वो नहीं रहेगा। ये जो वस्तु है ये अनित्य है, कल को एक प्रक्रिया से वो उत्पन्न हुआ है, एक प्रक्रिया से वो उस रूप में है और एक प्रक्रिया से कल वो उस रूप से हटकर खत्म हो जाएगा। तो जब वो खत्म होगा तो अगर हम अनित्यता नहीं समझेंगे तो उससे हमें दुख उत्पन्न होगा, तो ये पहचानती है मिक्षण। और क्या जो अनित्य है, जो दुख है, दुख देने की क्षमता रखता है, और जो विपरिणाम धर्म है, जो परिवर्तनशील है, क्या उसे एक परमानेंट सेल्फ की तरह समझा जा सकता है, या ये समझा जा सकता है कि हमेशा के लिए मेरा ही होगा, ये ऐसा ही होगा और मैं इसमें हूँ, अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करना क्या ये उपयुक्त होगा? नहीं। तो ये भिक्षुणियां हर बार ये जब प्रश्नोत्तर करते हैं तो सही उत्तर देती हैं, और यही चीज जो इन जानकारियों को समझने की हमारी क्षमता होती है, श्रोत्र विज्ञान या घ्राण विज्ञान या जीवा विज्ञान या काय विज्ञान या मनोविज्ञान, जो जो उस प्रकार की जानकारी जो आ रही है हमारे वातावरण से, उसको समझने और उस पे उसका कुछ मतलब निकालने की, अलग अलग जो स्पर्श हो रहे हैं उनमें अंतर कर पाने की जो क्षमता है, जो विज्ञान है, वो भी हर एक इंद्रिय से जुड़ी जो एक ये विज्ञान है वो भी अनित्य है, वो भी दुख उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, और उसे भी आत्म या अपना या उसमें अपने आप को देखना उचित नहीं होगा। तो ये बात होती है, तीन जो लक्षण हैं इनकी, इनके बारे में परिचित करते हैं नंदक, और आखिरकार यही कहते हैं, इस जलते तेल प्रदीप का जो एक दिया है उसका तेल भी अनित्य है, अगर बत्ती भी अनित्य है, अर्ची भी अनित्य है, तो जो उसका प्रकाश है क्या वो नित्य होगा? क्या ये कहना ठीक होगा? जो उसका, अगर उसकी लौ भी अनित्य है, अगर बत्ती भी अनित्य है और तेल भी अनित्य है, तो क्या हमेशा उससे वही प्रकाश निकलेगा? तो भिक्षुणियां कहती है कि नहीं, ये भी अनित्य होगा। तो इसलिए अपने जो हमारे जीवन में जो जो अनुभव होते हैं उन चीजों को ये जानना आवश्यक है कि ये घटना घटी है, ये एक अनुभव, ये एक वेदना जगी है, ये एक अनुभव जगा है, ये आया है, कुछ समय तक रहेगा और कुछ समय के बाद चला जाएगा, ये नित्य नहीं है। इसको अगर मैं इससे अपने सुख दुख को जोड़ूं तो जरूर मुझे दुख होगा, क्योंकि इसका रूप, जो भी रूप है, जिस रूप में मैं इसको सुखदायक समझता हूँ, उस रूप से जब वो बदलेगा तो मुझे दुख होगा। जो चीज मुझे खाने में अच्छा लग रहा है, अगर मैं वही खाते रहूंगा या उसको मैं सोचूंगा कि हमेशा वैसे ही खुशी है, हो सकता है नहीं। तो और उस अनुभव के साथ अगर मैं अपने आप को जोड़ लूं बिल्कुल कि ये अनुभव जो है यही मैं हूं, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, तो वो भी उचित नहीं होगा। उस और ऐसी बदलती चीज को एक नित्य आत्मा की तरह हम नहीं देख सकते। तो ये पूरी चर्चा करते हैं और इससे जो भिक्षुणियां हैं वो काफी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद वहां तक हम पहुंचे थे, तो उसके आगे बोध्यांगों की भी चर्चा करते हैं, तो वहां वो वाला जो हिस्सा है वो आज हम चर्चा करेंगे। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं ढूंढता हूँ सूत्र में कहाँ पहुंचे थे। तो नंदक कहते हैं, भगिनियों यह सात बोध्यंग है, बोध्यंग सेवन अवेकनिंग फैक्टर्स या एनलाइटनमेंट फैक्टर्स कहते हैं, बोधि अंग यानी एक जो संबोध है या एक जो विद्या, एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये एक आवश्यक अंग है, तो उन्हें बोध्यंग कहा जाता है। जिसकी भावना, भावना का अर्थ है डेवलपमेंट या कल्टीवेशन, इसको बढ़ाना, इसको अपने अंदर स्थापित करना, बहुलीकरण कह सकते हैं, अभ्यास कह सकते हैं। लेकिन ये जो बोध्यंग है, ये क्वालिटीज हैं जो अगर हम अपने अंदर इनको स्थापित करें तो भिक्षु इसी जन्म में आश्रवों के शय से आश्रव रहित
चेतो विमुक्ति प्रज्ञा मुक्ति को स्वयं जानकर साक्षात्कार प्राप्त कर विहरता है। चेतो विमुक्ति का अर्थ है कि जो अलग अलग आश्रव हैं, आश्रव जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, जो हमारे डिफाइलमेंट्स हैं, उनसे एक जो मुक्ति अगर प्राप्त करनी है, प्रज्ञा मुक्ति, ज्ञान के द्वारा एक मुक्ति हमें प्राप्त करनी है, तो ये जो सात बोध्यंग हैं जिनकी चर्चा होगी, उनकी भावना, उनको अपने अंदर स्थापित करना, इन क्वालिटीज को बढ़ाना अपने अंदर, ये काफी आवश्यक है। कौन से सात? यहां भगिनियों, भिक्षु विवेक मिश्रित, विराग मिश्रित, निरोध मिश्रित, त्याग, परिणाम वाले स्मृति संबोध्यंग की भावना करता है। तो यहां धर्म विचय संबोध्यंग की भावना करता है, वीर संबोध्यंग की भावना करता है, प्रीति संबोध्यंग की भावना करता है, प्रश्रब्धि संबोध्यंग की बात भावना करता है, समाधि संबोध्यंग की भावना करता है, उपेक्षा संबोध्यंग की भावना करता है। भगिनियों, यह सात बोध्यंग हैं जिनकी भावना करने से इसी जन्म में प्रज्ञा विमुक्ति को प्राप्त कर विहरता है। तो सात क्या बताया इन्होंने बोध्यंग? सबसे पहला बताया स्मृति। स्मृति का अर्थ है जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। ये एक बहुत केंद्रीय एक काबिलियत है या क्षमता है जो हम अपनी साधना में जिसको हम बढ़ावा देते हैं। स्मृति का अर्थ है माइंडफुलनेस, जैसे मैंने बताया। स्मृति का हिंदी में अर्थ होता है याद रखना। क्या याद रखना है? कि हमारा ध्यान जो है, हमारा अटेंशन जो है, कहाँ है और किस प्रक्रिया से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है। अगर आप देखें तो आपका जो पूरा जीवन का अनुभव है वो केवल एक इसी चीज का की श्रृंखला है कि आपका ध्यान एक जगह था, फिर कुछ और हुआ, कहीं और आपका ध्यान गया, एक प्रक्रिया से गया, उस जगह आपका ध्यान थोड़ी देर टिका रहा, फिर अगली कोई चीज हुई, वहां पे आपका ध्यान गया। अगर आपका ध्यान किसी अन्य चीज पर जाता तो आपका उस जीवन का अनुभव अलग रहता। जैसे अगर आपको किसी दिन आप बैठे हैं, आपको शाम को याद रहा कि आज कोई क्रिकेट मैच है, आपने देख लिया, तो अच्छी बात है, तो आपका वो ध्यान वहां रहा, आपके जीवन का अनुभव ऐसा रहा। अगर आप बिल्कुल भूल गए कि नहीं था, किसी और कार्य में लग गए, कुछ खाना बनाया आपने बैठ, तो आपके जीवन का अनुभव वैसा रहा। कुछ भी आप कार्य भी वही कार्य कर रहे, भले ही चार जैसे शिष्य बैठे हो क्लास में, एक टीचर के बारे में सोच रहा है, एक सोच रहा है कि कब मैं जाके खेल पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, एक सोच रहा है कि मुझे खाने में क्या मिलेगा, एक सोच रहा है कि अगले क्लास में क्या होने वाला है, उसमें मुझे दिलचस्पी है, तो इनका भी अनुभव अलग रहा। भले ही जो बैठे वो एक ही वातावरण में है, ध्वनि भी सबसे ज्यादा एक ही चीज के आ रही है, लेकिन उनके मन में जिन चीज की स्पर्श हो रही है, उनके अनुभव में जिन चीजों का स्पर्श हो रहा है, जिन चीजों से तृष्णा के आधार पर उनका ध्यान जुड़ा है, उनका अनुभव उसी चीज से जुड़ा रहता है। कोई और शिष्य बैठा है, उसके पैर में दर्द हो रहा है, वो उस दर्द के अलावा और कुछ वो सोच नहीं पा रहा। सब एक ही वातावरण में बैठे हैं, लेकिन ध्यान उनका कहाँ है, उसके हिसाब से उनके जीवन का अनुभव बिल्कुल ही अलग है। तो स्मृति जो है ये केंद्रीय बोध्यांग है। बाकी बोध्यांगों का एक आप कह सकते हैं कि ये एक केंद्र है। ये सबसे आवश्यक है कि आप अपने मन की प्रक्रिया को समझ पाए। अगर आप याद रखें, स्मृति रखें कि आपका ध्यान कहाँ है और कहाँ से कहाँ किस प्रक्रिया से जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जब वो ध्यान एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है, उस समय हमें थोड़ा बहुत पहचानने को मिलता है कि मन की प्रक्रिया कैसे होती है, हम पूरे एक संसार की कल्पना कैसे करते हैं, हमारे मन में तृष्णा कैसे उत्पन्न होता है, उसके आधार पर कैसे हम आगे उपादान भाव और जन्म होता है।
ये सब चीजें समझने की हम क्षमता रख सकते हैं। केवल हम अगर ये याद रखें कि ध्यान किधर है एक एक समय पर, तो हम ये देखना भूल जाएंगे कि वो किस प्रक्रिया से एक वस्तु से अगले वस्तु पर जाते हैं। जब ये प्रक्रिया को भी हम अपनी स्मृति के दायरे के अंदर ले आते हैं, तब हम मन के पूरे वो हमारे पूरे जो एक मानसिक अनुभव के निर्माण होने के जो एक बिल्कुल एक उसका जो मूल एक प्रक्रिया है उसको समझ पाते हैं कि एक एक ही प्रोसेस है जिससे हमारा ध्यान एक जगह रुका हुआ है या फिर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। और ये देखने को हमें मिलता है जब हम ध्यान के एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाते समय हम ये देख पाते हैं, क्योंकि एक वस्तु पर जब टिका रहता है हमारा ध्यान तो उससे जुड़े जो कहानियां जो कल्पनाएं हैं वो हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाती है, और उस परिस्थिति में उस संदर्भ में जो हम अपना एक आत्मा की एक संकल्प हम उत्पन्न होता है उस समय, उससे हम इतना जुड़ जाते हैं, इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इतना निजी ले लेते हैं उस चीज को कि हम ये नहीं समझ पाते कि ये हमारे मानसिक प्रक्रियाएं ही हैं जो चल रही। तो खासकर जब ध्यान हमारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है उस समय हम ये चीज पहचान पाते हैं। तो स्मृति का अर्थ यही है। तो आप जैसे साधना में भी बैठे तो हमेशा केवल जो साधना का आलंबन है वो तो है, आप मंगल मैत्री भेज रहे हैं, मित्र को भेज रहे हैं या सब जीवों को भेज रहे हैं, उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, लेकिन आपकी जो स्मृति है वो एक नजर आप कह सकते हैं कि इस चीज पर है कि मेरा ध्यान कब और कैसे जो साधना का आलंबन है उससे हटकर दूसरी चीज पर कैसे जा रहा है, क्या वो वहीं टिका हुआ है कि कहीं और चला गया है, कहीं हमारे अंदर स्मृति होती है, इसको हमने बढ़ाना है ताकि ये ज्यादा करीबी से देख पाए कि कैसे हमारा ध्यान साधना के आलंबन से बिल्कुल डगमगाने लगता है और फिर अगले वस्तु पर जाता है और फिर अगले वस्तु पर जाने लगता है। तो ये है पहला बोध्यांग स्मृति। अगला जो है बोध्यांग, तो अब बोध्यांगों को हम दो हिस्सों में, जो बाकी छह बोध्यांग हैं उनको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। इसके लिए एक और सूत्र भी है, अग्नि सूत्र, उसका मेरे पास ट्रांसलेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वहां पे यही कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब आपका आपके मन में आलस्य आ रहा हो तो तीन बोध्यांग हैं जिनका जो हमें इस आलस्य भरे मन से बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं कि अगर कोई आग बहुत धीमी जल रही है तो उसके ऊपर आप अगर पानी फेरेंगे तो वो तो बुझ जाएगी, पर उसके ऊपर अगर सूखी घास और जलने लायक जो पदार्थ है उसको देंगे, उसको हवा से बचाएंगे तो वो जो आग है वो खिल उठेगी। तो इसी तरह जो ये सूखी घास या हवा से बचाव जो एक आलस्य भरे मन को थोड़े और तीव्रता के ओवर और ले जाते हैं, वो जो बोध्यांग है वो तीन है। पहला है धर्म विचय। धर्म विचय का अर्थ इसको कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, या हमारे मन में जो प्रक्रियाएं क्या हो रही है इसको जानने की ओर एक दिलचस्पी है, कि ये नहीं कि केवल जैसे हमारा ध्यान एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर है तो एक कहीं हमारे मन में दिलचस्पी होना कि अगली बार इसको मैं क्यों ना इसको और थोड़ा पहले देखूं, या फिर अपने मन में कहीं एक अंदर, और ये चीज हम एक्टिवली अगर हम प्रश्न पूछने लगेंगे तो हमारा ऐसा ही होगा कि हम एक तीसरे वस्तु पर हम अपने ध्यान को ले गए और वहां पे अलग कहानियों में फंस गए। लेकिन क्या हमारे अंदर एक वो नेचर है कि हम प्रश्न पूछते हैं कि मेरा ध्यान इधर था साधना के आलंबन पर, इधर आ गया, इसके पहले क्या हुआ, क्या वो प्रक्रिया थी जिससे यहाँ पहुंचा। तो ये क्यूरियोसिटी रखना, एक दिलचस्पी रखना, इसको धर्म विचय कहते हैं। अब इसको बढ़ाएंगे कैसे, एक चीज बहुत आवश्यक है। बोध्यांगों के बारे में लोग सोचते हैं कि अच्छा ये हमारे पास सात इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, ये जब थोड़ा हमें लगा कि नमक कम है तो नमक डाल दिया, मिर्ची कम है तो मिर्ची डाल दिया, ये इतना हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता। जितना ज्यादा हम इच्छा या इतनी ज्यादा हम अपना एक मन की चलाने की कोशिश करेंगे तो केवल उसमें तृष्णा बढ़ेगी, हम और ज्यादा अपने मन के जो एक स्थिरता है उसको हम हिला देंगे। तो
अर्थ ये है कि ये चीज न केवल ध्यान के समय पर बाकी आपके जीवन में भी इन चीजों को, इन बोधायों को अगर आप बढ़ावा देंगे कि एक दिलचस्पी रखनी कि अभी मैं इरिटेट हो गया अपने कलीग के ऊपर, मैंने चिल्ला दिया, क्या हुआ, मैंने क्या इसको पर्सनली लिया, किस चीज को मैंने इसको अनिश्चितता नहीं समझी, कहा मैंने अपने शील को तोड़ा, तो एक ये जो धर्म विचय है, एक इन्वेस्टिगेशन फैक्टर जो है, ये चीज एक सारे समय इसको धीरे धीरे एक क्वालिटी है आपके अंदर, एक स्वभाव की तरह आ जाना चाहिए, तो उसको बढ़ावा देना। ध्यान करते समय लगे आपको थोड़ा बहुत, आप सोच सकते हैं जब आपके ध्यान समाधि से आपका मन बाहर आ जाए किसी भी जैसे अन्य वस्तु पर चला जाता है, आपका ध्यान उससे जुड़ जाता है, तो आप अपने ध्यान समाधि से बाहर आ जाते, उस समय आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं और प्रश्न मुझे पूछना चाहिए, अपने आप को एक ये डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, एक संकल्प बना सकते हैं, खुद ब खुद आपका मन और प्रश्न पूछना चाहेगा। लेकिन ये नहीं करना है कि हम बैठे हैं और फिर वहीं पे बैठ के प्रश्न पूछना आरंभ कर रहे हैं कि अच्छा इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ। केवल हमने एक बार अपने मन में संकल्प करना है कि मेरा मन भटकने के पहले क्या हुआ, ये चीज जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। बस इतना हम सोचेंगे, ये हमारा मन समझता है कि अच्छा हमारा एटीट्यूड ऐसा है मेडिटेशन की तरफ, हम ये चीज जानना चाहते हैं, ये चीज हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जितनी बार आप रीइन्फोर्स करेंगे अपने अंदर, तो वो खुद ब खुद आपका मन इन चीजों को देखने में ज्यादा लग जाएगा। वैसे ही एक छोटी धीमी आग को बढ़ावा देने के लिए अगला जो बोध्यंग है हमारा, वो है वीर्य या एनर्जी। एक कमिटमेंट भी इसे कह सकते हैं कि हम ये चीज बैठ रहे हैं, साधना में बैठ रहे हैं, ये चीज एक इसको एक ये जो कार्य है इसको एक आप परेशानी की तरह लेंगे कि अरे ये करना है, सुस्ती के साथ करेंगे कि अच्छा चलो बैठ गए हैं, आधे घंटे के पहले उठ नहीं सकते हैं, क्या करेंगे। तो उसके जगह हमें एक एनर्जी लाना है कि ये चीज बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, इस चीज का हमें तुरंत अपने दैनिक जीवन के अनुभव में इसका लाभ भी मिलने लगता है। इसी रास्ते पे हमें जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे आप ज्यादा चीजें देखेंगे, तो ये एनर्जी जो है, वीर्य जो है, इसका आप प्रयोग करके लाएंगे कि हाँ ये हमने बैठना है, हम बैठे इसलिए हैं साधना करने के लिए। ऐसे नहीं कि हमारा ध्यान किसी चीज पे चला गया तो हम ये सोचे कि अच्छा थोड़ी देर और उसमें देख लेते हैं, हाँ ये इस चीज के बारे में मैंने सोचा नहीं है बहुत समय से, आज ये आ गया मेरे मन में तो थोड़ा समय क्या। वहां हमारे पास वो एक कमिटमेंट होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए कि इसे वापस लेकर आना है, मन सुस्त हो रहा है तो स्माइल करें, अपने मन को थोड़ा उत्कृष्ट करें, थोड़ी एनर्जी लेकर आए कि ये आगे इस पथ पर हमें आगे चलना है। इसी से जुड़ा तीसरा जो बोध्यंग है वो है प्रीति या जॉय। तो ये चीज प्रीति जो है, जॉय जो है, दो तरीके से बहुत लाभदायक होती है। एक तो हमारे मन में खुशी हम उत्पन्न करते हैं कि ये जो हमें अवसर मिला है अपने मन की प्रक्रिया समझने का, अपने जीवन में दुख को समाप्त करने, तो इसलिए इससे जुड़ा एक एक जो खुशी है वो लेकर आई। और दूसरी चीज जो है, ये खुशी इससे भी आती है, एक थोड़े एक अपने आप को थोड़ा लाइटली लेने से भी आती है कि हमारा मन, हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं, ध्यान उसके पीछे भाग जाता है, उससे जुड़ जाता है, तो उसे परेशान नहीं होना, उसको अपना दुश्मन नहीं बनाना, ये समझना है कि अरे मेरा मन इतना मूर्ख है, हर चीज के पीछे भागता है, ये समझना, और थोड़े उसको व्यंग में या ह्यूमर में लेना कि अच्छा ये फिर कहीं चला गया और ये तो इससे परेशान होना तो दूर, मुझे अपने मन पर हंसना चाहिए और खुश होना चाहिए कि ये मुझे अपने मन के प्रक्रिया के बारे में और मन की मुक्तता के बारे में समझने का एक मौका मिला। और सबके साथ होता है ये चीज, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हो, तो इसके लिए हमेशा एक पॉजिटिव, एक ह्यूमरस और एक जॉयफुल एटीट्यूड रखेंगे कि अरे एक और मुझे मौका मिला कि अपने मन की प्रक्रिया में समझ सकूं। तो जो मैं वीडियो गेम एटीट्यूड हर बार
कई बार बोलता हूँ कि प्रीति आपको वो खुशी देती है कि ये पूरे कार्य में एक वो खुशी के मन के साथ, एक उत्कृष्ट मन के साथ आप आगे अपने अपना अभ्यास कर सकें। तो प्रीति और वीर जो है काफी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जिस चीज में खुशी होती है उस चीज में हम खुद एनर्जी ज्यादा डालते हैं, और धर्म विजय भी इससे जुड़ा हुआ है, जिस चीज में क्यूरियोसिटी होती है, जानने का मन होता है, उसमें हमें एनर्जी भी आती है, कमिटमेंट भी आती है और खुशी भी होती है। ऐसे ही वही समझिए, वो जो अगर स्कूल में कोई बढ़िया टीचर रहे हो, कोई आपके पसंद का सब्जेक्ट रहा हो, तो खुद ब खुद उसमें आपका ज्ञान बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से ये तीन बोध्यंग आपके कार्य आते हैं, और इन्हें केवल आपने ये नहीं करना है, ये ऐसे ये जो बोध्यंग है ये नहीं है कि आप केवल जो आप चाहें उस समय आप उसको प्रकट कर लेंगे अपने ध्यान के समय, ये कम हो रहे हैं अगर अपने आप को बताइए। धीरे धीरे जैसे साइकिल चलाते हैं तो आप ये हर बार नहीं सोचते कि अब मुझे वजन थोड़ा इस तरफ करना है कि बिल्कुल ठीक इतना मुझे घुमाना है, धीरे धीरे आपका मन सीख लेता है। तो ये चीजें समझिए कि ये अलग बोध्यंग है, इनको केवल ध्यान में नहीं, केवल आप ये समझिए कि इनका प्रयोग करना है, अपने मन में याद दिलाइए कि ये चीज शायद कम हो रही है, अपने बाकी जीवन में इन चीजों को लेकर आइए। तब जब आप ध्यान में गहराई में जाएंगे तो खुद ब खुद आपका मन, आपके मन को समझ आ जाएगा कि क्या क्या हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं, और कैसे इनके संतुलन से हम और गहरे जा सकते हैं। अपने मन को इन चीजों से परिचित होने दीजिए और खुद ब खुद करने दीजिए। ज्यादा आप सोचते हैं साइकिल के बारे में, बल्कि आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे और अपनी चलाने की कोशिश करेंगे कि मुझे ऐसे ही चलाना है और मुझे ऐसे ही करना है, तब आप नहीं चला पाए। आपका जो एक्टिव माइंड है वो इतना काबिल नहीं है कि इतने अच्छी से चीजों को बैलेंस कर सके। तो इसलिए अपने अनकॉन्शियस माइंड को या सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज करने दें, अपने इंट्यूशन, जो आपका इंट्यूशन है, जो आप आई ऑफ विजडम जिसे कहते हैं, तो उस चीज को बैलेंस करने दीजिए इन फैक्टर्स। तो अब धीमी आग को अगर हमने बढ़ाना है तो कुछ कुछ चीजें उसमें लगेंगी। अब लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आग है बहुत तेज हो गई, तो उसमें हम और सूखी घास और उसको लकड़ी और उसको हवा से बचाएंगे, इस तरीके के काम करेंगे तो वो चीज आउट ऑफ कंट्रोल। तो अगले जो तीन बोध्यांग है वो उसके दूसरे एक तराजू की तरह अगर हम समझे बोध्यांगों को, स्मृति हमारे बीच में, हर चीज के लिए स्मृति आवश्यक है, क्योंकि अगर स्मृति नहीं होगी तो क्या ये आग छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है ये भी नहीं पहचान पाएंगे। अगर छोटी हो रही है तो तीन बोध्यांगों को हम प्रयोग करेंगे, धर्म विजय, इन्वेस्टिगेटिव फैक्टर, वीर्य, एनर्जी, और प्रीति या जॉय, जॉय रैप्चर अलग अलग इसके ट्रांसलेशन है। और अगर हमारी आग को बढ़ रही है तो हो सकता है उसमें हम थोड़ी गीली घास डाल दें या उसको थोड़ा हवा आने दें उसके पास, या फिर कुछ लकड़ी उसमें से निकाल लें तो वो छोटी हो जाएगी ना? तो इसके लिए जो है प्रश्रब्दी या पसदी जिसे कहते हैं या ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, छह कदमों का जब हम प्रयोग करते हैं, एक रिलैक्स स्टेप हम यूज करते हैं तो हमारे मन में जो तनाव खिंचाव है उसको हम शांत कर लेते हैं, है ना। तो ये हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारा ध्यान बिल्कुल भटक गया होता है, लेकिन जो हमारे मन में एक हल्का भी तनाव खिंचाव आए, भले हमारा मन जो है साधना के आलम्बन के साथ हो, तो बैकग्राउंड में उसे रिलैक्स होने दे सकते हैं। हमारे मन की एक आदत हम बना सकते हैं कि जब भी तृष्णा के आधार पर तनाव खिंचाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है तो खुद उस तनाव तृष्णा को धीरे धीरे कम करें, तो हर समय हम एक उचित कार्य करने की संभावना अपनी बढ़ाते हैं। तो प्रशुद्धि एक वो मन की एक ट्रैंक्विलिटी या पीसफुलनेस से जुड़ा है, जो कि रिलैक्स स्टेप एक कदम है। फिर मैंने जैसे बताया कि हाँ, अब ये नहीं करना है कि आपके बैठ के ध्यान में कि अच्छा मन छोटा चंचल हो रहा है तो मैं रिलैक्स 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 बार बार रिलैक्स करूंगा। अपने मन को अलाउ करिए, आप उसको अनुमति दीजिए कि वो धीरे धीरे रिलैक्स करे। और ये चीज कैसे करेंगे, जब जब जितनी बार आप छह कदमों का प्रयोग करते हैं आपके मन सीखता है कि अरे जब भी मैं प्रशुद्धि का प्रयोग करता हूँ, प्रशुद्धि का प्रयोग करता हूँ, तो एक
मंडेन निभाना है या छोटा सा एक निर्वाण का जो एक अनुभव है, एक दुख से मुक्ति का, एक किसी एक सोच में किसी एक कल्पना में फंसे रहने से मुक्ति का जो एक आनंद होता है, जो अनुभव होता है, और उसके बाद जो मन में एक खुलापन होता है, एक राहत होती है, एक सही कार्य करने की समझ होती है, इस चीज को पहचानता है। तो जितना हम छकदमों का प्रयोग करेंगे तो ये प्रशब्द जो है ये संबोधन बढ़ता है, लेकिन ये केवल ध्यान के भटकने पर नहीं, बाकी समय भी आपके मन में जब तनाव खिंचाव है तो अपने मन को आप अनुमति दीजिए कि वो धीरे धीरे उसको रिलैक्स कर दे। अगला है समाधि संबोधन, समाधि जो आखिरी हमारे आर्य अष्टांग मार्ग का भी हिस्सा है, जो हम ध्यान समाधियों से हम गुजरते हैं ये शमत विपश्यना की प्रैक्टिस में, ट्विन प्रैक्टिस में, ये समाधि या कलेक्टेडनेस को बढ़ावा देता है। समाधि का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, राइट कॉन्सेंट्रेशन कई लोग ट्रांसलेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन से हमारे मन में काफी चीजें जुड़ी होती हैं, कि कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है कि बहुत जोर लगाकर एक चीज से जुड़ना ताकि बाकी कोई चीज हमारे लिए एग्जिस्ट ना करे, मतलब टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। कलेक्टेडनेस ऐसा नहीं, कलेक्टेडनेस क्या कहता है कि मेरा जो ध्यान है, मेरा एक जो एक चीज से जुड़ा है, बड़े आराम से जुड़ा है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं जुड़ा है, और मेरे मन में जो बाकी प्रक्रियाएं हैं उन्हें अनुमति है कि वो आए जाए, लेकिन जैसे जैसे हम, अगर हमारे ध्यान को कोई ये जो अलग अलग स्पर्श होते हैं हमारे ध्यान को ले जाते हैं तृष्णा के आधार पर, तो हम उसमें तृष्णा कम करते हैं, छह कदमों का प्रयोग करते हैं, वापस यहाँ लेके आते हैं, तो हमारा मन हर चीज के पीछे भागता नहीं है। कभी कभार जब भागता है तो उसे हम ज्ञान प्राप्ति का अवसर मान लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारे मन में क्या हुआ है, हम समझते हैं कि हमारे मन की प्रक्रिया ऐसे हो रही है, जैसे जैसे गहरे ध्यान समाधियों में हम गुजरते हैं तो बिल्कुल उसमें जो एक जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कैसे प्रतीत समुत्पाद के सारे जो कड़ियां हैं कैसे 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 जाग रही है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के जो लिंक्स हैं ये भी हम पहचान पाते हैं। अगर हम बिल्कुल मन कर लेते साधना के आलम्बन पर अपने ध्यान को, और कोई चीज जो आ रही है वो बिल्कुल भी रजिस्टर ना हो कभी, तो हम मन की प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं समझे, केवल एक साधना के आलम्बन के साथ अपने मन को चिपका के बंद कर दिया पूरे दुनिया के लिए, केवल यही हम कर पाएंगे, उससे कोई ज्ञान प्राप्ति आवश्यक नहीं हुए कि हो मन की प्रक्रिया के बारे में। लेकिन अगर हमारा मन कलेक्टेड है, समाधि में है, तो बहुत आराम से बिना जबरदस्ती के साधना के आलम्बन से जुड़ा हुआ है, और जो धर्म है फिनोमिना है उनको भी अनुमति है कि वो आए हमारे ध्यान के आसपास जाएं, हम उनके पीछे भागेंगे नहीं, और भाग भी गए तो उसमें हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और नहीं भी भागे तब भी जैसे शून्य आयतन है, बेस ऑफ नथिंगनेस है, वहां पे जैसे हम पहुंचते हैं तो वहां तक हम बिल्कुल जो आसपास भी जा रहे हैं हमारे ध्यान को नहीं खींच के ले जा रहे हैं उनमें भी सारे जो कड़ियां हैं वो पहचानना आरंभ कर लेते हैं जो प्रत्यक्ष समुद्र। तो ये सम्यक समाधि से जुड़े हैं। केवल हम समाधि में एक चीज हम ध्यान जरूर रख सकते हैं कि कई बार क्या होता है जब हमारा मन ध्यान में होता है ना, तो थोड़े समय के बाद बेचैनी होती है कि कुछ और होना चाहिए या कुछ अगला क्या होगा या क्या इसके बाद क्या हम निरोध में पहुंच जाएंगे, इस तरीके के हमारे मन में कई सारी बेचैनियां होती हैं। उस समय बस ये हमने ध्यान रखना है कि हम वहां पे जो एक सोचने वाला एक जो व्यक्तित्व हम उत्पन्न करते हैं तो वहां पे हम एक अपनी समाधि को हम थोड़ा कम करें, अपने कलेक्टेडनेस को, क्योंकि समाधि जब मन कलेक्टेड होता है तो उसमें ये नहीं होता कि मैं ये हूं और ये मेरे साधना का अवलंबन है, ध्यान साधना के अवलंबन के साथ होता है, केवल इतना होता है उसमें मैं और मेरा ही साधना का अवलंबन और मेरा ध्यान नहीं। तो मैं जब बढ़ने लगता है तो हमारे समाधि थोड़ी कम होने लगती है, एक जिसे इंग्लिश में उसको कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवाइड, कि मैं और मेरी ध्यान और मेरी समाधि और मेरे साधना के आलम्बन, ये सब चीजें अलग अलग इनका बंटवारा हो जाता है, तो उस टेंडेंसी को कम करना। यही होगा कि आप जब भी ये चीज टेंडेंसी आपके ध्यान को डिस्टर्ब करेगी तो आप ध्यान समाधि से बाहर आ जाएंगे, फिर आपने समझना है या आपने मन में छोटा सा नोट रखना है कि मैं कर रहा था बहुत ज्यादा, उसके इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, आपकी ध्यान समाधि में बैठ के आप बिल्कुल इसको
आप बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं कि कितनी प्रेशर दिए कितनी समझ, आप ये चीज नोट करते हैं, आपका मन खुद ब खुद आपके चित्त में एक समझ बढ़ने लगती है कि कैसे इन बोधियांगों का प्रयोग करना, और वो खुद ब खुद करें जैसे साइकिल चलाते थे। आखिरी है उपेक्षा। उपेक्षा भी उस चीज से जो जैसे निवरणों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा है कि निवरण जब आते हैं, उपेक्षा का अर्थ है समता या इक्वानिमिटी, निवरण जब आते हैं बहुत स्वाभाविक टेंडेंसी होती है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं कि अरे अभी तो मैंने 6 कदमों का प्रयोग किया था फिर आ गया कुछ, या यही ख्याल बार बार आ रहा है मैं परेशान हो गया उससे। तो हमेशा वो जो निवरण आता है, हिंड्रेंस आता है अपने साथ, एक वो घृणा का हिंड्रेंस भी जगा के चलता है। तो एक तो ये चीज है, इस समय हमें समझना है कि इस चीज से हमें नाराज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, एक वो व्यंग्य वाला अपने मन में वो रखना है हमने एटीट्यूड कि ये तो हो गया है, चलिए इससे हमें सीखने को मिला, ये हमारे मन में ये धर्म उत्पन्न हुआ क्योंकि उसके लिए जो आधार था, जो कंडीशंस थे, जो परिस्थिति थी, उसके लिए अनुकूल थी, केवल ये समझना हमने। और दूसरी तरफ जैसे हमारे अलग अलग ध्यान समाधियों में जाते हैं तो बहुत अच्छे हमारे अनुभव होते हैं, सुख प्रीति अलग अलग चीजें हमारे मन में उत्पन्न होती है, तो इनसे भी हमने बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं है, अपना नहीं बनाना है, या बहुत उससे उत्तेजित नहीं हो जाना कि अरे क्या खुशी मिली है, और वो खुशी कम होने लगे तो परेशान हो जाए, या और मैं अगली बार ध्यान में बैठे कि दोबारा वैसी ही खुशी उत्पन्न हो। हर बार ध्यान में अलग अलग अनुभव होंगे क्योंकि जो परिस्थिति है, जो आधार है, जो कंडीशन है, वो हर बार बदल रहे। तो उपेक्षा इक्वानिमिटी बस ये कहता है कि भले ही कोई बहुत सुखदायक कुछ आए या दुखदायक आपके मन में उत्पन्न हो, हमने एक ही संतुलन के साथ उसको पेश आना है। अगर ध्यान को ले जा रहा है कृष्णा के आधार पर, 6 कदमों का प्रयोग करें, नहीं कर रहा है तो उसे रहने दें, अपने साधना के आलम्बन के साथ बने रहें। तो इक्वानिमिटी केवल ये चीज कहता है कि इससे ना परेशान होना है ना इससे बहुत ज्यादा आकर्षित होना है। और ये चीज भी हम केवल ध्यान में नहीं बल्कि बाकी समय में ध्यान समाधि से जब हट जाएं तब देख सकते हैं, आप अपनी साधना करके उठें उसके बाद भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में, और बाकी जीवन में भी जब आप अलग अलग रिएक्ट करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, इन सब जो बोधन है इनका प्रयोग कैसे कर पा रहे हैं। ये केवल जैसे ये साधना केवल अलग से बैठ के साधना करने के लिए, ये एक अपने जीवन को एक अच्छे तौर से अच्छे तरीके से बिताने के लिए। तो ये कहाँ पे इन चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज आप बाकी जीवन में भी अगर सोचें समझें तो आपके चित्त में ये चीज बैठ जाएगी कि ये मेरे पास अलग अलग औजार है, जब ध्यान में संतुलन थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो तो उसको कैसे प्रयोग करना है, वो आपके चित्त में ये समझ आने लगे, और इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते, आप जबरदस्ती से ये चीज कर नहीं सकते। इनका ज्ञान हो, इनका इस क्वालिटीज को आप डेवलप करने का मौका दें, इसको अनुमति दें कि अलग अलग समय आप इसके बारे में सोचें, इसको रिफ्लेक्ट करें अपने एक्शंस में, और खुद ब खुद आपके चित्त में ये समझ बैठ जाएगी कि कैसे इन बुद्धिंगों का प्रयोग करना है अपनी साधना। तो यही है जो आखिरी जो एक आवश्यक अंश था इसका इस सूत्र में, कि बुद्धिंगों की चर्चा करी, कई बार बुद्धिंगों के से जुड़े प्रश्न आते हैं, मैंने कहा कि आज थोड़ी इस पे चर्चा कर लेते हैं। काफी समय से मैं बोल रहा हूँ, आज का समय भी हो गया, कोई प्रश्न हो एक या दो प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी देर से सुना है तो आपका प्रश्न उत्तर देना मेरा फर्ज बनता है। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का? सिंधु जी आप म्यूट पे हैं, अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार। हाँ जी बोलिए, अब मैं सुन पा रहा हूँ।
कोई प्रश्न नहीं है किसी का? चलिए फिर आज का सत्र समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ। डॉक्टर साहब लीड करिए प्लीज। दुख ग्रस्त हो दुख मुक्त, भय ग्रस्त हो भय मुक्त, शोक ग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदा सभी दे उसे अनमोल। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना करे पुण्य का अनुमोदन, चीरकाल रखे बुद्ध शासन। साध साध।